करता है जो सजदा सदा चूम के मिट्टी खेत की, हर मुश्किल में सदा खड़ा फिक्र जिसे हर एक की। ऐसे ही कोई इसे धरती पुत्र नहीं कहता, अन्नदाता हो जाना कोई आम बात तो नहीं है। हमेशा मुश्किलों की मार झेलता हमारा किसान, हमेशा ही कुछ अजब करता है, हमेशा ही कुछ गजब करता है। लेकिन वो मौके कभी कभार ही आते हैं जब मेरे किसान की कुव्वत की किसी ने कद्र की हो। सीना गर्व से फूल जाता है जब किसान को सम्मान मिलता है। देश का गौरव बढ़ाने वाले ऐसे ही कुछ प्रगतिशील किसानों से आपको रूबरू करवाते हैं। आधुनिक भारत का किसान भी अब आधुनिक हो रहा है। बदलते भारत में हमारा किसान नए ज्ञान और तकनीक के सहारे अपनी तकदीर खुद लिख रहा है। मेहनत और नवाचार ने किसानों को आत्मविश्वास के साथ मुनाफा भी भरपूर दिया। नए आयाम तलाशता हमारा प्रगतिशील किसान अब दूसरे किसानों के लिए ना सिर्फ प्रेरणा स्रोत बन रहा है, बल्कि खेती को तरक्की की नई नई पगडंडियां भी दे रहा है। तजवीज ने ताकत दी और समाज और देश ने इन किसानों को सम्मान। सम्मान पाने वाले इन किसानों की फेहरिस्त लगातार लंबी हो रही है। इन्हीं में से कुछ किसान हैं। 24 फरवरी को प्रगतिशील किसान योगेश नागर को मिला सम्मान। पुणे में 2.5 लाख रुपए और सिल्वर अवार्ड से किया गया सम्मानित। बिना ड्राइवर का ट्रैक्टर बनाने पर मिला ये सम्मान। केपीआईटी स्पार्कल ने दिया ये सम्मान। 26 फरवरी को श्रवण बाजिया को मिला आरोहण सम्मान। खरपतवार हटाने की मशीन के लिए मिला ये सम्मान। इसके साथ ही बाजिया को महिंद्रा की तरफ से यंत्रीकरण के लिए 51,000 रुपए का सम्मान मिला। आग्याराम वर्मा का यंत्रीकरण के लिए सम्मान। ICAR 2017 का जगजीवन राम अभिनव किसान सम्मान। 5 मार्च 2019 को आग्याराम को मिला ये सम्मान। हरिमन शर्मा को मिला सम्मान। सेब की उन्नत किस्म विकसित करने का बनाया कीर्तिमान। तपती धरती में उगाया हरिमन ने सेब। 11 मार्च को जगदीश पारी को पद्मश्री सम्मान। अजीतगढ़ के जगदीश ने जैविक खेती में रचा इतिहास। इसके साथ ही हुकमचंद पाटीदार को भी पद्मश्री से सम्मानित किया गया। राजस्थान के हुकमचंद का जैविक खेती में है कीर्तिमान। इसके साथ ही प्रकाश सिंह रघुवंशी को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया। गेहूं, धान, अरहर की कुदरती प्रजाति विकसित करने के लिए मिला सम्मान। 15 मार्च को NIF ने गांधीनगर में दिया ये सम्मान। 18 मार्च को श्री किशन सुमन को मिला सम्मान। 2,11,000 के महिंद्रा समृद्धि इंडिया एग्रो अवार्ड से सम्मानित। 12 मासी उगने वाली आम की किस्म की विकसित। रोशनलाल विश्वकर्मा को भी यही सम्मान दिया गया। उनको भी 2,11,000 रुपए के महिंद्रा समृद्धि इंडिया एग्रो अवार्ड से सम्मानित किया गया। यंत्रीकरण में योगदान के लिए मिला इनको ये सम्मान। ईश्वर कुंडू बने राष्ट्रपति भवन के मेहमान। किसानों के लिए हर 2 साल में एक बार आता है ये मौका। 3 किसानों के साथ कुंडू बने राष्ट्रपति के मेहमान। इन सभी किसानों की उपलब्धियों को लोगों तक पहुँचाने के लिए महेंद्र मधु ने दिया एक मंच। अपनी किताब अन्वेषक किसान में इन सभी किसानों के बारे में विस्तृत जानकारी उपलब्ध करवाई गई है, ताकि देश के बाकी किसानों को भी इन प्रगतिशील किसानों से प्रेरणा मिलती रहे। 60 साल हो गए इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया से जुड़े हुए, पर ऐसा कम ही हुआ जब 24 दिन के अंदर 11 किसान वैज्ञानिकों को देश के बड़े बड़े सम्मान मिले। ये इस बार हुआ 24 फरवरी से 19 मार्च तक राजस्थान के 6 किसान वैज्ञानिकों और बार के 5 किसान वैज्ञानिकों को ये सम्मान मिला। ऐसा मिशन फार्मर साइंटिस्ट परिवार है। आप और हम सब मिलकर अगर काम करें तो देश दुनिया को बदल सकते हैं। देश का गौरव बढ़ाने वाले इन मेहनती प्रगतिशील किसानों को A1 TV का सलाम। और राम राम साहब में भी हर बार ऐसे ही प्रगतिशील किसानों को हम आपसे मिलवाते हैं। इसी श्रृंखला में हम आज बात करने जा रहे हैं औषधीय खेती की।
जी हाँ, आयुर्वेद दुनिया की सबसे पुरानी चिकित्सा पद्धति है। हमारे ऋषि मुनियों की सैकड़ों वर्षों की मेहनत है आयुर्वेद। हमारे आज के किसान राकेश चौधरी इसी दिशा में काम कर रहे हैं। आइए मुलाकात करते हैं राकेश चौधरी से। राकेश जी, सबसे पहले तो राम राम सा के हमारे सभी दर्शकों की तरफ से, राजस्थान के सभी किसानों की तरफ से आपको राम राम सा। राम राम सा। राकेश जी, जिस समय पर दुनिया दूसरी तरह की कई खेतियां कर रही थी, जिस समय पर परंपरागत खेती का काम था, जिस समय पर आप ग्रेजुएशन करके निकले, उस समय आप और भी कोई बिजनेस कर सकते थे, क्यों घूमे आप, क्यों आकर्षित हुए औषधीय खेती की तरफ? जी सर, चूँकि मैं ग्रामीण परिवेश से बिलोंग करता हूँ जी, और खेती किसानी हमारे रगों में बसी हुई है। मैं किसान परिवार से भी मेरा संबंध है और बचपन से ही मैंने खेती किसानी, अपने खेतों में उगती हुई वनस्पतियों को, वहाँ उग रहे खरपतवार को, जड़ी बूटियों को मैंने देखा है और अपने दिल में उसको सहेजा है जी। और एक सबसे बड़ी बात यह है कि बचपन में मेरे पिताजी कई बार ये बात हमें कहा करते थे कि पेड़ काटना कोई अपने आप में बहादुरी नहीं है, अगर बहादुरी है तो वो है वनस्पतियों को और पेड़ पौधों को बचाना, उनका संरक्षण करना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी बहादुरी है। तो वो पिताजी का वाकया मेरे दिल में बैठा, मैं वहीं से ये मेरे संस्कार भी थे रहे कि औषध अपनी खेती बाड़ी में ध्यान दिया जाए जी। पढ़ाई के साथ साथ जब मैं गांव से 5 किलोमीटर दूर शिव गांव में मैं पढ़ने जाता था जी, तो पगडंडियों से होकर के गुजरते थे तो चारों तरफ हम देखते थे कि वनस्पतियां उगी है खेतों में, कई तरह की और घासें उगी हुई है जो मुझे बहुत आकर्षित करती थी कि ये इनका क्या उपयोग हो सकता है। हमारे किसान इन सब चीज़ों को निकालते हैं, उखाड़ते हैं और उखाड़ के उसको फेंक देते हैं। मेरे दिल में एक ही सवाल होता था कि क्या इनका भी कोई उपयोग कभी हो सकता है जी। वही सवाल लेते दिल में लेकर के मैंने 10th सीयू से पास किया, उसके बाद मैं चला गया अब 12th करने के लिए। 11th 12th मैंने मौलासर सरकारी कॉलेज स्कूल से किया जी, वहाँ से बाद में मैं फिर महाराजा कॉलेज जयपुर मैंने एडमिशन लिया। महाराजा कॉलेज मतलब साइंस बायोलॉजी थी आपके जी पास? जी, मेरे सब्जेक्ट कंप्यूटर केमिस्ट्री और जूलॉजी से मैंने बीएससी फर्स्ट ईयर का मेरा एडमिशन महाराजा कॉलेज जयपुर से हुआ जी। मैं यहाँ पे अपने कमरे में या हॉस्टल में रहता था, इसी बीच एक मेरे गाँव से मेरे साथी और मेरे बड़े भाई शिवपाल आए, वो टाटा एआईजी में एक डीआरडीए की एक एग्जाम देने के लिए वो यहाँ आए थे जी। उनके साथ में ही उनके एक दोस्त थे चूरू डिस्ट्रिक्ट के पड़ियारा गांव जी के सरपंच साहब दुलीचंद जी हरसवाल जी, वो दोनों लोग मेरे पास आए और वो नाइट होल्ड मेरे यहाँ पे उन्होंने मेरे रूम पे किया। तो बातचीत चलती रही, हम आपस में इंटरेक्शन हुए मिले, फिर दुलीचंद जी ने मुझे बताया कि राकेश जी आप एक किसान परिवार से हो और आप में एक अलग मुझे कौशल दिखाई देता है और मुझे लगता है कि आप, मैं एक ऐसे इंसान से आपका परिचय कराऊं जो कि जड़ी बूटियां और औषधीय खेतों की बारे में वो खेती करवाते हैं और किसानों को जी लाभ पहुंचा रहे हैं, तो आपको मैं उनसे मिलवाऊंगा। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि कोई तो मेरे कौशल को समझ रहा है और मैंने तो कहा आज ही चलिए, हम अभी चलते हैं। फिर अगले दिन हम लोग डॉक्टर गोपाल चौधरी जो मेरे इस क्षेत्र में गुरु रहे हैं जी, उनके वहाँ हम लोग पहुँचे और दुलीचंद जी ने हमें उनसे मिलवाया। वहीं से मैंने औषधीय पौधों की कह सीखना शुरुआत की, क्या औषधीय पौधे होते हैं, इनका क्या उपयोग होता है, इनको कैसे उगाया जाता है। वो समय था 2003 और 2004 का, उसी दौरान राजस्थान स्टेट मेडिसिन प्लांट बोर्ड जी, जो कि राजस्थान स्टेट में एक स्टेट एजेंसी है जो औषधीय पौधों को प्रमोट करने के लिए, किसानों को मार्केट उपलब्ध करवाने के लिए और साथ ही उनको एग्रो टेक्निक सिखाने की ट्रेनिंग प्रोग्राम्स वो ऑर्गेनाइज करवाती है, तो उनके संपर्क में मैं डॉक्टर गोपाल चौधरी के थ्रू उनसे संपर्क में आया। वहाँ उस समय कॉन्ट्रेक्चुअल फार्मिंग के कई सारे प्रोजेक्ट लगाए जाते थे औषधीय खेती के लिए, उसी सिलसिलेवार मैं भी उसी में इन्वॉल्व हुआ। पिताजी से संपर्क किया, मैंने कहा इस तरह से एक बोर्ड है जो कि इन फसलों को प्रमोट करने के लिए हमें अनुदान भी देता है और साथ में ज्ञान भी। एक बार बीच में रोकना चाहूँगा, एक दर्शक है जो कि आपसे मुखातिब होना चाहते हैं अपने प्रश्न के साथ, बात करते हैं उनसे जी। राम राम साहब सुनता जी जी, प्रश्न पूछिए। जी जी हाँ, हम सुन पा रहे हैं आपकी आवाज, आप अपना प्रश्न पूछिए।
लगता है मैंने 200 एकड़ में एलोवेरा लगा रखा है जी, और पिछले एक साल से इसमें सेल आउट की दिक्कत आ रही है। पतंजलि ने ऐड किया था सरदार सर चूरू में जी और जयपुर में कि ये एलोवेरा 4 रुपए से वही वह कर लेंगे जी, और मेरे साथ साथ जो छोटे किसान हैं उनके भी बड़ी समस्या आ रही है। 4 रुपए में जो ब्रोकर है ट्रेडर्स थे जी, कहाँ से बोल रहे हैं आप? वो वापस ले नहीं रहे और किसानों की बड़ी समस्या, 50 पैसे में माल नहीं उठ रहा जी। चूरू से हमारे तो दर्शक हैं राकेश जी, 9000 युवा किसान है, उनसे ये जानना चाह रहा हूँ कि या तो एलोवेरा खत्म कर दे या इसको बेचने के लिए या कुछ हो सकती है समस्या निवारण। जी हाँ राकेश जी हमारे साथ हैं और क्योंकि ये काफी बड़ा काम कर रहे हैं इस क्षेत्र में, ये जरूर हमें इसके बारे में कुछ ना कुछ राय देंगे, कुछ मशवरा देंगे। सर क्या करना चाहिए इन्हें? जी देखिए संदीप जी, आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन काफ़ी समय से मैं जब फील्ड में जाता हूँ जी, तो पिछले विगत दो तीन वर्षों से मैं देख रहा हूँ कि एक जो एलोवेरा की खेती है जी, चूँकि किसान एक जिज्ञासु प्रवृत्ति का इंसान होता है, उसको जहाँ मुनाफा दिखता है, जहाँ उसको लगता है कि यहाँ इस फसल को करने से मेरा अच्छा मुनाफा हो सकता है, कम लागत में मुझे बढ़िया इसका इनकम मिल सकती है, मार्केट अगर कोई इस तरह से एश्योर करता है कि यहाँ कोई कंपनी जो कि इतनी रेपुटेटेड कंपनी, जैसे इन्होंने बताया कि पतंजलि ने इनके साथ में इस तरह से कुछ संपर्क जो भी किया होगा, तो उसके हिसाब से किसानों की एक लालसा तो रहती है। अब चूँकि समस्या कहाँ आई है, समस्या ये आई है कि जो मौखिक तौर पे किसान को किसी प्रतिनिधि किसी भी कंपनी के प्रतिनिधि ने बोल दिया कि ये फसल आप लगा लें हम ले लेंगे जी, तो वहाँ जाकर के किसान मार खाता है। हमें सबसे पहले किसी भी कंपनी के साथ में लिखित में टाई अप होना ही चाहिए, मेमोरेंडम हमारा होना चाहिए। हाँ, अक्सर जो दिक्कतें आती है वो बीच के लोगों के कारण आती है, जो ये कमीशन एजेंट होते हैं या झूठे लोग होते हैं उन लोगों के कारण कई बार बड़े ब्रांड भी बदनाम हो जाते हैं जी। बिल्कुल बिचौलियों से तो हमें बिल्कुल बच के रहना होगा, हमें जब भी किसी भी फसल की खेती करनी है तो उससे सीधा संपर्क हमारा फार्मेसी से होना चाहिए, उनके साथ लिखित में अपना एग्रीमेंट हो, साथ में ही उनकी एनुअल कितनी टर्नओवर, मतलब वो कितना वॉल्यूम में आपसे लेना चाहते हैं, उनका मैक्सिमम कितना एरिया वो ले सकते हैं, उसको फिर वो पूरे प्रदेश भर में किसान इसको टारगेट करके कि हमें 1000 हेक्टेयर में लगाना है या 500 हेक्टेयर में ही खेती करनी है, तो इस तरह की संभावनाएं ना हो। देखो किसान बेचारा दयालु होता है, किसान एक मतलब वो तो अपने आप में जिज्ञासा देख करके और वहां खेती कर लेता है। आज स्थिति ये बनी हुई है कि 50 पैसे किलो में भी संदीप जी को क्या करना चाहिए या उनके आसपास के किसान? संदीप जी को मेरी राय संदीप जी जैसे किसान भाइयों के लिए ये है कि आप एसोसिएट होइए जी, आप एकजुट होइए और अपने प्रोडक्ट अपना जो एलोवेरा है उसका वैल्यू एडिशन कीजिए जी, आप खेत के आगे दुकान लगाइए अपनी, आगे दुकान पीछे खलियान, इस तरह के कंसेप्ट को आप मर्ज कीजिए। आप युवा किसान हैं, आप इसके कुछ प्रोडक्ट वैल्यू एडिशन कीजिए। मैं यहाँ पे एक उदाहरण आपको देना चाहता हूँ, फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट एक बाहर विदेशी कंपनी है जो कि सिर्फ और सिर्फ एलोवेरा के प्रोडक्ट उत्पाद करती है, और सबसे बड़ी बात मैं आज आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि राजस्थान एक एरिड जोन जो है, जो हमारा मरुस्थलीय भूभाग है, ये यहाँ मरुद्भिद पौधे उगते हैं, जिसमें से ये एलोवेरा भी एक वही प्रजाति का पौधा है, ये कैक्टस है, और इसके जो कंटेंट यहाँ राजस्थान में डेवलप हो सकते हैं वो दूसरे स्टेट और दूसरे राज्यों में नहीं हो सकते। तो हमें प्रकृति ने इस तरह की एक प्लस पॉइंट और ऐसी जलवायु हमें दी है कि और ऐसा एक मिरेकल प्लांट हमें गॉड गिफ्ट में दिया गया है, तो इसको आप 50 पैसे या 1 रुपये किलो में क्यों बेचते हो, आप इसका वैल्यू एडिशन कीजिए। लोगों में इस जागृति है, एलोवेरा के उत्पाद की बड़ी भारी मात्रा में डिमांड है। फोर एवर का आप टर्नओवर सर्च करके देखिए, फोर एवर अपने आप में बहुत बड़ा ब्रांड है और पूरे वर्ल्ड वाइड उसके प्रोडक्ट बिकते हैं जी, बहुत अच्छे वैल्यू एडिशन करके वो प्रोडक्ट बेच रहे हैं, तो हम क्यों नहीं बेच सकते? मतलब उन्हें निराश होने की जरूरत नहीं है, रास्ते और भी हैं, आसमान अभी बाकी है, वो वाली बात है बिल्कुल। और साथ में मेरा एक सुझाव ये भी है, जो किसान एलोवेरा को निकालना चाहता है या उसको लगता है कि अब मैं ज्यादा समय तक इस पे इंतजार नहीं कर पाऊंगा, तो वो एक बार हमसे संपर्क करें, हम उनको उसके दूसरे इसको ड्राइंग करने का मेथड बताएंगे, उसको सूखा करके भी आप बाजार में इसको बेच पाते हैं, बेच सकते हैं। राकेश जी एक और दर्शक है जो कि इस समय आपसे बात करना चाहते हैं, मैं चाहूंगा एक बार उनसे भी बात कर लें, उसके बाद हम अपनी बात स्टार्ट करते हैं जी। राम राम साहब। राम राम साहब जी, राकेश जी को मेरा नमस्कार। नमस्कार मेरा राकेश जी, सवाल ये है जी, राजस्थान में जड़ी बूटियों की त्रिस्तरीय खेती के लिए कौन कौन से पौधे फसलों का सुझाव देते हो आप? जी हाँ, ये सबसे बड़ा प्रश्न है कि जी आपने कहाँ से करें, आपने अपना नाम नहीं बताया।
अमर प्रसाद सर, किसान संघ औषधीय प्रमुख नागौर गांव राजपुरा। जी जी अमर सिंह जी, आपका बहुत अच्छा सवाल है। ये अभी ट्रेंड नया चला है कि किसान को मैक्सिमम उत्पाद, उस किसान अपने उसी एफर्ट से, उसी पानी से और उसी मेहनत से मैक्सिमम कितना उत्पादन कर सकता है, अधिकतम क्या वो अर्न कर सकता है, यही इसी को हम डेवलपमेंट कहते हैं। और इसी डेवलपमेंट का ये त्रिस्तरीय जो कंसेप्ट है खेती का, ये उसी का एक हिस्सा है। त्रिस्तरीय से मेरा मतलब ये है कि हमें अपने खेत के जो जिस प्लॉट में हमें औषधीय खेती करनी है उसमें हम मेड़बंदी के कुछ फसलें चयन करें, उसके बीच में हम पेरिनियल क्रॉप्स जो बहुवर्षीय प्लांट हैं, जैसे कि मैं राजस्थान के स्पेशली क्लाइमेट में रिकमेंड करता हूँ नीम, बेलपत्र, गुगलू, सहजना, गंभारी जी, और इसके अलावा आंवला, इस तरह के प्लांट जो है वो ट्री स्पीसीज प्लांट को आप बीच में लगाएं, और जो बाकी जो स्पेस बचता है उसमें आप सीजनल क्रॉप के तौर पे, जो कि आपके क्लाइमेट में हो सकती है, आपकी जलवायु में जो फसल हो सकती है, उन फसलों का आप चयन करें। जैसे कि इसमें आप तुलसी है, सतावर है, अश्वगंधा है, कौंच है, गिलोय है, एलोवेरा, अगर आपकी किसी कंपनी के साथ टाई अप है तो आप एलोवेरा की भी खेती बहुत अच्छी तरीके से होती है, उसकी भी खेती आप कर सकते हैं। इसके अलावा वो फसलें जिनके मार्केट में बहुत अच्छी डिमांड है, डिमांड के हिसाब से उन खेती को आप बढ़ावा दे सकते हैं। इसमें बड़ा गोकरू, छोटा गोकरू और पुनर्नवा, ये ऐसी फसलें हैं जिनका अभी तक खेती का कंसेप्ट प्रचलन में नहीं आया है, अभी तक सिर्फ कलेक्शन इसका एक जरिया है। तो इन सब चीज़ों को आप अब खेती के पैटर्न में भी ले सकते हैं। जी, अगर आपकी भी कोई शंका है और आप उसका समाधान चाहते हैं औषधीय खेती के बारे में, तो आप 0141-451-5103 पर फोन करके हमारे आज के एक्सपर्ट से सीधा संवाद कर सकते हैं, ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से एक दर्शक इस समय हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। जी राम राम साहब। राम राम साहब जी। दिनेश बोल रहा हूँ चूरू से। जी दिनेश जी, आभार आपका, फोन किया आपने। हाँ सर, मैं ये कह रहा था कि हमारे यहाँ पे एलोवेरा लगा लिया लेकिन अब कोई खरीदने वाला नहीं है सर। दिनेश जी, अभी थोड़ी देर पहले भी कुछ इसी तरह का प्रश्न था, मैं चाहूंगा राकेश जी बहुत संक्षेप में आप इन्हें इसके बारे में बताएं। देखिए दिनेश जी, आप लोग युवा किसान भाई हैं, आप इसमें बिल्कुल भी निराश ना होए, और मैं इस टीवी चैनल के माध्यम से सभी राजस्थान के किसान भाइयों को एक संदेश देना चाहता हूं कि ये एक इनिशियल स्टेज है, जरूर मार्केट अभी हमारा थोड़ा सा एलोवेरा का गिरा हुआ है, लेकिन वो समय दूर नहीं है जबकि इसका फिर से मार्केट उठेगा। इसमें कई सारे स्लोप आए हैं, मैंने भी इसमें जिगजैग मार्केटिंग देखी है, मैं पिछले 15 साल से एलोवेरा स्पेशली जुड़ा हुआ हूँ एलोवेरा की खेती से, तो कई सारे कारण होते हैं मार्केट में जो है मार्केटिंग में। हाँ। आप लोग इसके वैल्यू एडिशन पे फोकस करें, इसके लिए सरकार से कई सारी योजनाएं हैं, उनका साथ लें और फिर जो है आप इसके वैल्यू एडिशन की तरफ ध्यान दें। अब दूसरी जो फार्मेसी हैं उनके भरोसे में ना रह करके अपने उत्पाद को अपने ब्रांड से विदेशों तक आप भेज सकते हो, ये आप अगर इसको आप समझ सकते हैं तो आप समझिए और इसमें आप आगे बढ़िए। जी हाँ, वाकई में सही बात है। एक और दर्शक है सर, आपसे बात करना चाहते हैं। जी राम राम साहब। हेलो जी, सुन पा रहे हैं आपकी आवाज? अच्छा सर, आप राकेश जी? राम राम जी। राम राम साहब। राम राम साहब। सर जी, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ और मेरे को आपकी जो ये जो आप नया काम करने जा रहे हो ये किसानों के लिए एक तरीके का वरदान साबित होने जा रहा है। और सर मैं जानना चाहता हूँ कि जो एलोवेरा की जो ये जेल का जो यूज होता है, इसका सर थोड़ा मार्केट है, वो थोड़ा मार्केट बढ़ाने सर एक हेल्प करो। और जो गूगल की खेती है तो इसमें भी सर हम कुछ करना चाहते हैं, तो उसको सुना भी है और ये राजस्थान में बहुत अच्छा होता है, तो इसके लिए सर हम आपकी कुछ हेल्प चाहते हैं कि कैसे हम इसको लगाएं और कैसे हम इसमें वो जो इनिशियल स्टेज होता है इसमें हम कैसे ग्रो कर सकते हैं और इसका मार्केट हम कैसे वो पा सकते हैं, इसके लिए हमको कुछ हेल्प चाहिए थी, तो सर कुछ हमको इसके बारे में गाइड देंगे आप? राकेश जी, लगता है आपने हर्बल क्रांति की शुरुआत कर दी है, आपके बड़े बड़े फैन हैं जिनके फोन आ रहे हैं और ये फैन भी कुछ बहुत ज्यादा बड़े वाले हैं। मैं चाहूंगा हम इसको क्यों ना ऐसी बात करें कि क्योंकि अभी एलोवेरा के पे प्रश्न उठ रहे हैं, तो एलोवेरा के जेल और जो भी इसके दूसरे आप वैल्यू एडिशन वाली चीज है उनके बारे में बताएं, जिससे कि हमारे जो किसान इस समय परेशान है एलोवेरा कारण उन्हें भी कुछ राहत मिल सके। देखिए, आप लोग एलोवेरा से काफी कुछ उत्पाद बना सकते हो जी, ये कॉस्मेटिकल, फार्मास्यूटिकल और इसके अलावा ये फाइटोकेमिकल में भी इसका उपयोग होता है जी। आप इसका जेल निकाल के
आप पल्प के तौर पे भी बाहर की जो आप जहां दूर दराज की फार्मेसियां हैं जहां पे आप पत्तियों को ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते हो जी, उन जगह पे आप इसका वैल्यू एडिशन पल्प के तौर पे करके और उसको बढ़िया से पैकेजिंग करके उसको प्रिजर्व करके और फिर आप उसको इजीली ट्रांसपोर्ट करके दूर दराज के क्षेत्रों तक आप उसको मार्केटिंग कर सकते हो। दूसरा इसमें आप इसका जूस बना करके जो कि एक फूड आइटम होता है, एक फूड सप्लीमेंट के तौर पे बाज़ार में एलोवेरा का जूस, बल्कि ये मैं ये कहता हूँ कि अभी जो बाज़ार में एलोवेरा के जूसेज जो आ रहे हैं, मैंने काफ़ी कंप्लेंट्स भी ऐसी सुनी है कई लोगों से कि उसमें मिलावट आती है, तो आप ईमानदारी से, आपके पास एलोवेरा खूब मात्रा में खड़ा है, उस एलोवेरा को आप ईमानदारी से 100% प्योर प्रोडक्ट उत्पाद अपना बना करके और उसको बाजार में उतार सकते हो। राकेश जी एक फोन कॉल है, काफी देर से ट्राई कर रहे हैं, हम सोचते हैं उनको भी साथ ले लें, हो सकता है उनका भी इससे संबंधित कोई प्रश्न हो। जी राम राम साहब। राम राम जी। जी नमस्कार। एलोवेरा की खेती करना चाहता हूँ, क्या आपकी है सलाह, इसमें क्या करना चाहिए, कैसे होगा क्या? जी आप कहाँ से बोल रहे हैं? मैं नागौर से बोल रहा हूँ, भगवान से। नागौर से जी। जी आपका जी ऐसा है, आप एलोवेरा की खेती करना चाहते हो, ये आपका अच्छा सुझाव है और आपको करना चाहिए, बट अभी फिलहाल जो है जहाँ तक मेरा अनुभव है, अभी आपको साल भर बाजार की स्थिति को समझना चाहिए और इसके बाद में ही आपको इसकी खेती के ऊपर विचार करना चाहिए। जी हाँ, एक और दर्शक हैं शायद इस संदर्भ में कुछ पूछना चाह रहे हो। जी राम राम साहब, सुन पा रहे हैं हमारी आवाज? सुन पा रहे हैं हमारी आवाज? आ रही है जी, पूछिए, प्रश्न पूछिए। सर जी नमस्कार। नमस्कार सर जी, मैंने औषधीय जो एलोवेरा की खेती कर रखी है जी। सर जी पहले तो सरकार ने किसानों को कहा गया कि भाई औषधीय खेती करो और आपका अच्छा रेट मिलेगा जी, और 4 हेक्टेयर में कर रखी है तो उसको अब लेने वाला नहीं है कोई। राकेश जी मुझे लगता है आज का जो पूरा एपिसोड है एलोवेरा पे जाने वाला है, बताइए उन्हें। जी अभी के परिदृश्य में अगर देखा जाए तो अभी सभी किसानों की समस्या कहीं ना कहीं कमोबेश यही है जी, और चूंकि ये राजस्थान का, मैंने पहले ही आपको बताया कि ये राजस्थान का ही प्लांट है जी, और यहाँ पे किसान वैसे इसकी तरफ काफ़ी पिछले 2-3 वर्षों में काफ़ी इसकी तरफ मोटिवेट हुए हैं, लेकिन एक बड़ा दुर्भाग्य ये भी रहा है कि किसानों की इस लालसा और ये जिज्ञासा के बीच में कुछ बिचौलिए पैदा हुए जिन्होंने किसानों को बहुत बुरी तरह से लूटा भी है। मैंने कई सारे किसानों से संपर्क किया, वो मेरे संपर्क में आते भी हैं, तो कहते हैं हमने 4 रुपये 5 रुपये में पौधा खरीद के और उसको पौधे को लगाया, तो वो कहीं ना कहीं वो किसानों की एक इनपुट कॉस्ट जो होती है किसी भी फसल को लगाने की, तो वो 4 या 5 रुपए की जो इसके पौधे की जो कीमत है वो बहुत ही गलत तरीके से उनको लूटा जा रहा है। ये ऐसा नहीं होना चाहिए। किसान भाइयों, अगर कोई भी किसान एलोवेरा की अगर खेती करना भी चाहे तो वो सीधा जिस किसान से ही संपर्क करें जो कि एलोवेरा पहले से लगा चुका है जी, उसके उससे उसकी बाजार के बारे में पूछें, उसके लगाने की तकनीकी वो आपको बेहतर तरीके से बताएगा, और उसके पास में एलोवेरा के बेबी प्लांट्स भी उपलब्ध होते हैं जिसकी मेरे हिसाब से 60 से 70 पैसा 1 रुपये अधिकतम मूल्य होता है। ये मैं इस चैनल के माध्यम से आप सबको ये सूचना करना चाहता हूँ कि प्लीज आप किसी के बहकावे में आकर के 2 या 4 या 5 रुपए की कीमत में पौधे ना खरीदे, इससे आपका नुकसान ही होने वाला है, वही पौधे आपको कम कीमत में सीधे आप किसान से खरीद सकते हो जी हाँ, और बिचौलियों से सावधान रहे खासकर जी, जी हाँ। बिचौलिए इसमें क्या होता है, वो किसान एक भोली कौम है, उसको बरगलाते हैं कि हम आपसे बाईबैक करते हैं, हम 7 रुपए किलो खरीदेंगे या 4 रुपए किलो आपकी पत्तियां खेत से खरीद के ले जाएंगे, और जब मैच्योरिटी आती है, जब फसल पक के कटने वाली होती है, तो वो नदारद होते हैं। एक और दर्शक है सर इस समय फोन लाइन पर मौजूद है हमारे साथ। जी राम राम साहब। राम राम सर जी, कहाँ से बोल रहे हैं आप? पिलानी से बोल रहा हूँ, अजीत सिंह पुनिया। हाँ अजीत सिंह जी, पूछिए। तो मेरा सवाल राकेश जी से है जी, जी जो आजकल किसानों को एक केसर के नाम से पौधा दिया जा रहा है, बीज और पौधा जी, उसके बारे में राकेश जी की क्या राय है? जी राकेश जी, बहुत केसर की खेती के बारे में कहा जा रहा है कि राजस्थान में की जा सकती है जी। जी अजीत सिंह जी, आप बहुत ही जागरूक किसान लगते हो जो इतना गहन क्वेश्चन आपने पूछा है जी। हाँ बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ऐसा क्वेश्चन उठाया उसके लिए। मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, मेरा वैसे केसर के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है, चूँकि ये बहुत ही रेयर प्लांट है और सिर्फ कश्मीरी वादियों में होने वाला पौधा है जी। हाँ केसर की खेती उस क्लाइमेट में होती है जहाँ पानी बर्फ़ बहुत ज़्यादा गिरती है,
टेम्परेचर डाउन रहता है, उस जगह पे केवल मात्र इसकी खेती की जा सकती है। अब अगर आपके यहाँ पे राजस्थान में अगर कोई केसर की खेती बोल के अगर आपको बीज उपलब्ध करवा रहा है तो वो सरासर झूठ बोल रहा है। जी हाँ, वो दिखता जैसा केसर जैसा वो केसर नहीं है, वो केसर नहीं है, उसका नाम है कुसुम। जी कुसुम जो है वो तेलीय पौधा है, उसके तेल का उपयोग औषधीय होता है, बट वो केसर नहीं है। तो ये चीजें हमें ध्यान रखनी है। किसान को इस तरह से आप जुटला करके या गलत बीज दे करके जो करते हैं वो गलत होता है। और जरूरत है ऐसे ही किसानों की जो कि किसी भी चीज को करने से पहले चार जगह पूछ ले। उन्होंने राम राम साह को एक माध्यम बनाया पूछने के लिए, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। एक और दर्शक है इस समय फोन लाइन पर मौजूद हैं जो कि आपसे बात करना चाहते हैं। जी राम राम साह। राकेश गड़ी उठी वाले से मेरा सवाल ये है कि हम ग्रामीण महिलाएं एक स्वयं सहायता समूह चलाते हैं। जी जी। जो कि हमारी प्रेरित होकर आपको बहुत बार सुनकर और देख कर चला रही है। जी। मैं इस ग्रुप की सचिव हूँ। जी। हमारी SSG की सभी सदस्य कुछ नया काम करना चाहती है ताकि उनकी आमदनी में बढ़ाव हो सके और वो आत्मनिर्भर बन सके। क्या आपकी जड़ी बूटी की खेती में बदारीकरण में हमारे ग्रुप में कोई सहायता कर सकते हैं? जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपका आभार कि आपने राम राम साह में फोन किया। राकेश जी आप कहाँ से बोल रहे हैं? हम राजपुरा गांव से बोल रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट नागौर। अच्छा, डिस्ट्रिक्ट नागौर से। जी जी, आपका शुभ नाम? सुनीता बिजानिया। जी सुनीता जी, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ और आप वाकई में बहुत ही बुलंद काम कर रहे हो कि आप गांव में एक स्वयं सहायता समूह का संचालन कर रहे हो और उसमें ग्रामीण तबके की वो जो कि जिनकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर होती है उनको एक संगठित करके और आप ये काम कर रहे हो। और आपका मैं बहुत बहुत आभारी हूँ कि आपने मेरे को पथ प्रदर्शक माना है, क्योंकि मैं भी इस तरह के SSG किसानों के बना करके और उनका संचालन करता आ रहा हूं। शायद वो कहीं उससे प्रेरित होकर उन्होंने किया है। आप लोगों के लिए मेरा एक सुझाव है, आप अपने आसपास के क्षेत्र में जो भी औषधीय पौधे हो रहे हैं उनको देखें, उनकी ट्रेनिंग लें। आपको अगर ट्रेनिंग लेने में कहीं दिक्कत होती है तो आप हमारे यहाँ जो है हमारा ट्रेनिंग सेंटर हमने डेवलप कर रखा है अपने स्तर पे, वहाँ हम आपको ट्रेन करेंगे। आप विशेष तौर से अपने राजस्थानी जो है केयर सांगरी को आप अपना प्रोडक्ट बना सकते हैं, अपने SSG के ब्रांड से उसको आप बाहर तक बेच सकते हो। साथ ही आप इसमें अपने काचरी केयर सांगरी एक समर सीजन का ग्रीष्मकालीन प्रोडक्ट है। जी। आप इसको कंटिन्यू करना है तो आप जैसे कि बारिश में अपने काचरी होती है तो काचरी का वैल्यू एडिशन उसकी छिलाई करके और उसकी चिप्स बना करके उसको ड्राई करके और उसको भी आप मार्केट में बेच सकते हो। साथ ही आप चटाई बुनाई का काम भी कर सकते हो, हैंडीक्राफ्ट के भी कई सारे ऐसे उत्पाद है जो आप ग्रामीण क्षेत्र में सिलाई का काम भी आप लोग कर सकते हो, औषधियों में आप ये सब चीज़ें कर सकते हो, पैकेजिंग आप पाउडरिंग करके कुछ भी प्रोडक्ट आप रॉ मटेरियल खरीदें उसकी एक पल्वलाइजर आप घर में लगाएं और इस उससे आप पैकेजिंग करके वैल्यू एडिशन करके उसका पाउडर करके भी आप बेच सकते हो। जी हाँ बिल्कुल, किया कुछ भी जा सकता है, बस करना है तो पूरे मन के साथ और पूरे हौसले के साथ। राकेश जी एक छोटा सा सवाल, आपने कहा कि आपकी इच्छा थी शुरू से कि मैं वनस्पति क्षेत्र में जाऊं या जड़ी बूटियों की तरफ देखूं, परंतु 12th में आपने एग्रीकल्चर नहीं ली, उसके बाद फिर आपने कहा कि वनस्पतियों मेरी इच्छा थी, परंतु फिर भी आपने जो ग्रेजुएशन थी उसमें बॉटनी नहीं ली, लेकिन आना आपको वापस उसी तरफ पड़ा, क्या सोच के आपने अपना सब्जेक्ट चूज़ किया था? देखिए मेरे परिवार में मेरे कजिन हैं जी, मैंने उनको फॉलो किया है और एक बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि मैंने क्लास 6th के बाद में ग्रेजुएशन तक जी अपने लिए नई बुक नहीं खरीदी। क्या बात, मैंने मेरे जो कजिन्स थे वो मेरे इससे एक स्टेप आगे थे, मैं उन्हीं की बुक्स को पढ़ता था, तो कहीं वो भी एक समीकरण रहा, मैं उनको फॉलो कर रहा था जी, तो उनके जो सब्जेक्ट थे उसी के कंसेप्ट में मैं चलता रहा और कंप्यूटर से मेरा लगाव रहा तो कंप्यूटर सब्जेक्ट वैसे मेरा मुझे इंटरेस्टिंग लगा, लेकिन अल्टीमेटली मुझे डाइवर्ट जो है आपने जैसे बताया कि मुझे खेती की तरफ बोटनी की तरफ ही आना पड़ा। आपको एक दर्शक है इस समय जो आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। जी राम राम साह। हाँ राम राम साह जी, मैं बोल रही थी सर कि जो नींबू का पौधा है ना 3-4 साल का, तो सर उसके नींबू नहीं लग रहे। राकेश जी नींबू के पौधे पे नींबू नहीं लग रहे हैं, मैं चाहूंगा कि थोड़ी सी मदद करें, हमारी महिला किसान हैं या शायद उन्होंने घर में लगाया हुआ है। जी जी, एक्चुअली देखा जाए तो नींबू भी एक औषधीय गुणों का पौधा है जी। अब नींबू नहीं लगने के मेरे हिसाब से, वैसे मैं बायोटेक्निकलिस्ट नहीं हूँ लेकिन फिर भी मेरा जो अनुमान है और जो मैं मेरा एक्सपीरियंस है मैं बताता हूँ कि ना लगने का कारण एक तो हो सकता है कि कोई भी तरह के कीट का उसमें प्रकोप रहा होगा जी, या आप समय पर उसको पानी नहीं दे पा रहे हैं, या जो है उसके जो फ्रूटिंग फ्लावरिंग के टाइम पे आप थोड़ी सी सावधानी रखें, जो भी जीवामृत है या जो जैविक कई सारे घोल हैं
उनका उपयोग करके और उसका छिड़काव करें, जिससे कि हो सकता है आपकी ये जो समस्या है उसका समाधान हो सके। एक और दर्शक है इस समय सर जो आपसे रूबरू होना चाहते हैं। जी राम राम साहब। राम राम शाह जी। राम राम साहब। राकेश जी, जी आप जो नवाचार कर रहे हो दोनों के लिए जी, गूगल का पौधा है मेडिसिनल जी। जी हाँ पूछिए, सुन पा रहे हैं मैं आपको। हाँ जी जी, गूगल का जो पौधा है उसमें आगे संभावनाएं क्या है? जी हाँ। जी आप कहाँ से बोल रहे हैं भाई साहब? चूरू से। अच्छा, देखिए गूगल में बहुत अपार संभावना है। गूगल एक रेयर प्लांट है। गूगल में दो तीन प्रजातियां पाई जाती है। गूगल कॉम्बिफेरा वेगल्टी जो करके बोटनिकल जिसका नेम है, वही प्लांट एंडेंजर्ड स्पीसीज के तौर पे है, वो लुप्त प्राय हो चुका है। और हम किसान भाइयों की एक नैतिक जिम्मेदारी भी बनती है। मैं इसको आपको सलाह नहीं दे रहा हूँ, बल्कि इसको आप एक अपनी जिम्मेदारी मान के चलिए कि हमें प्रत्येक किसान को कम से कम 10 से 20 पौधे अपने खेत में या मेड़ पे गूगल के पौधे लगाने ही होंगे। हमें सरकार के भरोसे नहीं रहना है, क्योंकि ये पौधा बिल्कुल लुप्त हो रहा है। और साथ में आज इतने अपने यहाँ फार्मेसियाँ हैं, इंडिया इतना 125 करोड़ की जनसंख्या, इतना बड़ा देश है, यहाँ पे गूगल की बहुत बड़ी डिमांड है फार्मेसियों की। लेकिन दुर्भाग्य हमारा ये है कि हमारे पास इतना भूभाग और इसके क्लाइमेटिकल कंडीशन होते हुए भी हम इसको उगा नहीं रहे हैं, इसको कंजर्व नहीं कर पा रहे हैं। और हमें जितना हमें इसके गम की ज़रूरत होती है वो सारा हम इम्पोर्ट करते हैं। अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है, अरब कंट्रीज से यहाँ इम्पोर्ट होकर के आ रहा है। तो हमारे देश का एक रेवेन्यू भी कहीं ना कहीं उस रूट में जा रहा है। और अभी जो विगत कुछ समय से हम देख रहे हैं कि देश की नीतियां और विदेशों से हमारे जो जिस तरह से संबंध चल रहे हैं जी, मुझे लगता है कि आने वाले भविष्य में हमें गूगल के बड़े बड़े क्षेत्र में इसकी खेती करनी ही होगी। और इसका बड़ी अपार संभावनाएं हैं, बहुत बड़ा भविष्य है। अगर राजस्थान के पश्चिमी, विशेष तौर से पश्चिमी क्षेत्र के जो किसान हैं, अगर गूगल को ही फोकस कर ले तो वो नवाचार हो सकता है। वो अपने आप में पूरे वर्ल्ड में अपनी एक पहचान बना सकते हैं गूगल के क्षेत्र के तौर पर। राकेश जी, एक कारण मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि क्या कारण है लोग कई सारे नवाचार की तरफ जा रहे हैं, कई सारे फलों की तरफ जा रहे हैं, विदेशी सब्जियां भी उगा रहे हैं, विदेशी फल भी उगा रहे हैं, विदेशी फसलों की तरफ भी जा रहे हैं, पर क्या कारण है कि इस आयुर्वेद की जो जड़ी बूटियां हैं इनको अभी तक आत्मसात नहीं कर पा रहे या उन पर काम नहीं करना चाह रहे? नहीं, काम तो काफी हुआ है और हो भी रहा है, कमोबेश काम तो सब होता है। लेकिन इसमें सबसे बड़ा ड्रॉबैक जो रहता है वो रहता है किसान को इसकी पूरी तकनीकी का ज्ञान का अभाव रहता है जी। किसान को अब तक ऐसा कोई एक कलेक्शन सेंटर, मतलब एक इसको अपने किसान सुविधा केंद्र भी बोल सकते हैं मेरी भाषा में, एक किसान सुविधा केंद्र अगर बन जाए प्रत्येक जिले में ही, और वहाँ पे किसान को औषधीय या बागवानी सारी तरह की जो एग्रो टेक्निक्स है, जो कि एक एक कॉन्टेक्चुअल फार्मिंग अपनी जो कॉन्सेप्ट है उसकी सारी जानकारी उसको वहाँ इन हाउस मिल जाए जी, बाजार की पूरी सुविधा वहाँ मिले, फार्मेसियों की लिस्ट मिले उनको, पूरे इंडिया में किन किन स्पीसीज की कितनी डिमांड है, किसकी मार्केट जो है ग्रो कर रहा है, क्या उसका फ्लो है मार्केट का, इन सब के बारे में अगर किसान को बताया जाए और उनको टारगेट दिया जाए कि आप इन फसलों को उगाएं, ये काम हमें हमारे सरकारी तंत्र के द्वारा करके और किसानों को हम जागृत कर सकते हैं, तब जाकर के किसान एक प्लेटफार्म पे आएंगे और इसको आप देख पाएंगे कि एक व्यापक स्तर पे इसकी खेती हो रही है। एक और दर्शक है जो इस समय बात करना चाह रहे हैं आपसे। जी राम राम साहब, सुन पा रहे हैं हमारी आवाज? हेलो जी, प्रश्न पूछिए, आवाज पहुंच रही है हम तक आपकी? शायद संबंध विच्छेद हो गया। कई बार हम आपसे लोगों से यही गुजारिश करते हैं कि जब भी आप फ़ोन करें तो एक ऐसी जगह खड़े होकर फ़ोन करें जहां की नेटवर्क उपलब्ध हो, और टीवी के वॉल्यूम को कम कर दिया करें जिससे कि आपकी आवाज़ हम तक सही से पहुंच सके और हमारे एक्सपर्ट का जवाब आप तक ढंग से पहुँच सके। सर, अभी तक हमने जो आपसे बात की एक तरह से किसान के नाते करी, आज हम आपको, क्योंकि आप बोर्ड के मेम्बर हैं, औषध पादप बोर्ड के मेम्बर हैं, उसके मेम्बर होने के नाते इस जागरूकता के लिए, इस जागृति के लिए कि किसान इनके बारे में जागरूक हो, क्या करना चाहेंगे? देखिए, मैंने 1 अगस्त 2018 से मैं राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड, आयुष मंत्रालय, भारत सरकार का किसान के प्रतिनिधित्व के तौर पे
नॉमिनेटेड मेंबर हूं जी, और मुझे वहां पे किसान के प्रतिनिधि के तौर पे रखा गया है जी। तो मैंने जब भी हमारी बैठक होती है, बोर्ड बैठक होती है, तो मैंने किसानों के हित की कई सारी बातें जो किसानों से ही पूछा है मैंने कि आप लोगों की कुछ भी जो भी समस्याएं हैं वो बताएं ताकि मैं सरकार के समक्ष उसको रख सकूँ। तो उनमें दो तीन मैंने अपने सुझाव उनको दिए हैं, जैसे कि एक तो किसानों को जो अनुदान दिया जा रहा है जी, वो अनुदान आप कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन या उनको कल्टीवेशन करने के लिए ना दे करके उनको प्रोडक्शन पे दिया जाए, उत्पाद बढ़ाने के बाद जब उत्पादन निकल के आता है तो उसके ऊपर उनको एक हम लोग अनुदान दें, तो उससे क्या होगा कि कंपटीशन क्रिएट होगा किसानों में कि कौन कितना ज़्यादा उत्पादन करे और कौन कितना ज़्यादा अनुदान प्राप्त करे। साथ में हमें कॉन्ट्रेक्चुअल फार्मिंग जो कि मिश्रित खेती है उसके लिए हमें एक इंसेंटिव के तौर पे, जैसे कोई किसान 3 या 5 फसलें जो भी एक पैरामीटर निर्धारित हो, जो इनसे ज़्यादा कुछ औषधीय फसलें उगाता है तो उनको एक इंसेंटिव के तौर पे कुछ अलग से ऐड दिया जाए। राकेश जी, इस बात पर चर्चा को जारी रखेंगे। एक दर्शक है जो कि इस समय आपसे बात करना चाहते हैं जी। राम राम साहब। हेलो। हाँ, राम राम जी। जी जी, मैं बीकानेर से आयुर्वेद चिकित्सक डॉक्टर इरशादा से बोल रहा हूँ जी। जी हाँ जी, मुझे राकेश जी से सवाल पूछना है कि मेरे आयुर्वेद औषधालय में परिसर में हर्बल पौधे लगा रखे हैं जी, और कुछ पौधों के बारे में जानकारी लेनी है। जैसे मैंने गिलोय, तुलसी, निर्गुंडी, इस प्रकार कई पादप लगा रखे हैं जी। मैं राकेश जी से ये जानकारी लेना चाहता हूँ कि हमारे कुलाइट जैसे एरिया में और ऐसी कौन कौन सी वनौषधियां है जिसको हम लगा सकें और आयुर्वेद औषधि लगा सके और मरीजों का उससे इलाज कर सके। जी हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न है, एक आयुर्वेद चिकित्सक का प्रश्न है सर। मैं जी प्रसाद जी, नमस्कार। आपका क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपने जैसे बताया कि आप कोलाइट जैसे डेजर्ट एरिया से बिलोंग करते हो और आपने अपने औषधालय में काफ़ी सारी हर्बल स्पीसीज लगा भी रखी है जी। और मेरा सुझाव ये है कि बीकानेर जैसे ड्राई एरिया में आप एक अपने वहाँ पे सनाई जो है वो नेचुरली खूब ग्रो हो रही है। सनाई में 2 प्रजातियाँ होती है, एकेसिया सेना और एकेसिया अंगुष्टिफोलिया। इन दोनों स्पीसीज को मिश्रित ना होने दिया जाए, इनकी खेती पर विशेष तौर से, हम लोग जो उत्पाद जो खेती कर रहे हैं इसको आप खेती ना समझें जी। ये एक मानवता की सेवा है, ये एक दवाई है, इसका कहीं ना कहीं जा करके किसी मरीज का इलाज होना है। तो हमें, हम किसान भाइयों को भी इस चीज़ का एक ईमानदारी से ध्यान रखना होगा कि कोई भी दूसरी कोई भी बाहर की चीज़ को हम मिश्रित ना करें और खेती को अपने आत्मीयता से करें। इसकी इस औषधियों की खेती को हमें आत्मीयता से ही जोड़ना होगा और इनकी साफ सफाई और खेती की टेक्निक के बारे में पूरा, इसको पैकेजिंग से लेकर के मार्केटिंग तक कैसे हम इसको हाइजीनिक तरीके से इसको मार्केट तक पहुंचा सकते हैं, इस चीज़ का भी ध्यान रखना होगा। साथ ही आप बीकानेर में इंद्रायण जो है, इंद्रायण वैसे नेचुरली खूब उगता है, उसका कलेक्शन भी करवा सकते हैं और इसको आप ग्रो भी करवा सकते हैं। और गूगल के जो प्लॉट है उस गूगल की कल्टिवेशन को आपको बढ़ाना होगा। इसके साथ में आप वहाँ पे देखिए, कुछ प्लांट आप डेमोस्ट्रेशन के तौर पे अपने आयुर्वेद जो औषधालय है उसके परिसर में लगाएं, अगर वो सर्वाइव करते हैं तो उनको फिर जो है आप आगे एक्सटेंड करके किसानों को मोटिवेट भी कर सकते हैं। और मुझे आपको तहे दिल से मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि एक आप आयुर्वेद चिकित्सक, चूँकि आपकी भी बड़ी जिम्मेदारी है और आप अपनी जिम्मेदारी बड़ी अच्छे से निभा रहे हो, आपने इसमें इंटरेस्ट लिया इस सब्जेक्ट में और किसानों के हित की एक बात की, इसके लिए मैं तहे दिल से आपका आभारी हूँ। जी हाँ, एक और दर्शक है इस समय जो कि काफी देर से आपका इंतजार कर रहे हैं आपसे बात करने का। जी राम राम साहब। राम राम साहब जी। राकेश जी, सवाल है, मैं सिटी से राकेश चौधरी बोल रहा हूँ, जिला नागौर जी। जी मैं फसल करना चाहता हूँ अश्वगंधा और तुलसी की जी। जी तो उसका सही टाइम क्या है उसको बुआई का? जी, अश्वगंधा और तुलसी को बोने का सही समय क्या है? जी राजेश जी, कुचामन सिटी तो अब जो है एक हर्बल मंडी के तौर पे देश में देखी जाने लगी है और आप जैसे जागरूक किसानों की बड़ी वहाँ तादाद अभी बढ़ रही है। लोग अब मुझे बड़ी खुशी होती है कि आज जो उस क्षेत्र में जहाँ पहले मेरी बात सुनने तक कोई लोग तैयार नहीं होते थे और आज स्थिति यह है कि हर किसान चल के आता है, पूछता है और उसको मार्केट की तलाशने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप अवेयर हुए हैं इतने।
तो ये अवेयरनेस जो कुचामन में आई है, ऐसी अवेयरनेस मैं चाहता हूँ कि भारत के प्रत्येक कोने में आए, हर किसान अपने खरपतवार रूपी जो वनौषधि है उसको सहेजने लगे, उसको अपने मेड़बंदियों पे, अपने प्लॉट में, अपने भूमि का कुछ भाग है वो औषधियों में उत्पाद में या औषधीय कल्टीवेशन में लगाएं। तुलसी और अश्वगंधा का आपने जो सवाल पूछा राजेश जी, उसका मैं जवाब देना चाहता हूँ। तुलसी की खेती, तुलसी में आप 5 प्रकार की प्रजातियाँ विशेष तौर से हमारे यहाँ खेती में की जाती है, जिसमें रामा, श्यामा, कृष्णा, वन, कपूर तुलसी, इस तरह की ये तुलसी की खेती की जाती है। आप विशेष तौर से सबसे पहले अपनी फार्मेसी से संपर्क कीजिए, उनको कौन सी प्रकार की तुलसी की पत्तियों की या पंचांग की या बीज की ज़रूरत है, उसी फसल का चयन करें, उसी प्रजाति को आप पहले आप इसकी पौध तैयार करें, पौध तैयार करके उसके खेत को डेवलप करके उसमें बेड बना करके, जिस तरह से हम मिर्ची की रुपाई करते हैं और 6 इंच से 8 इंची का जब प्लांट इसका हो जाता है तो आप उसको ट्रांसप्लांट करके और इसका इरिगेशन जो है आप ड्रिप से या स्प्रिंकल से कर सकते हैं। फ्लड इरिगेशन मैं इसमें रिकमेंड नहीं करता हूं क्योंकि अभी पानी की बड़ी समस्या हमारे राजस्थान में है, तो फ्लड इरिगेशन को आप अवॉइड करें, पानी का बचाव जरूरी है। और जैविक पद्धति से जो भी खेती आप करते हो उसमें कोई भी प्रकार का आप पेस्टिसाइड या इंसेक्टिसाइड का उपयोग ना करें। इसके समय की बात जहाँ तक है तो आप इसको फरवरी मार्च या आप जुलाई अगस्त में इसकी बुआई कर सकते हो, नवंबर दिसंबर जो विंटर सीजन है उसको अवॉइड करके बाकी समय में तुलसी की खेती को बोया जा सकता है। रही बात अश्वगंधा की, तो अश्वगंधा में हमारे यहाँ पे 2 क्लाइमेटिक जोन जिसमें अश्वगंधा की खेती ज़्यादा हो रही है, एक हमारा दक्षिणी पार्ट है जो कि मध्य प्रदेश से लगा हुआ भाग है, जैसे चित्तौड़ है, कोटा है, बारा, झालावाड़, इसके अलावा हमारा जो है प्रतापगढ़ है, उस बेल्ट में काफ़ी अश्वगंधा की खेती हो रही है। वहाँ पर बुआई का समय जो है वो लोग 15 अगस्त के आसपास इसकी बुआई करते हैं, लेकिन हमने इसका एक्सपेरिमेंट हमारे यहाँ नागौर और बीकानेर बेल्ट में किया है। 15 अगस्त हमारे लिए अर्लियर होता है, थोड़ा इसको हमें एक्सटेंड करना होता है, हमें इसको सितंबर 15 के आसपास इसकी बुआई करनी होती है। बुआई करते समय विशेष तौर से सावधानी ये रखनी है कि बीज ज़्यादा गहरा ना जाए और बीज लगाने के बाद में उसको आपको ऊपर की जो ऊपर की लेयर है मिट्टी की वो सूखे ना जब तक वो जर्मिनेट नहीं होती है, और उसको बीजोपचार जो भी जैविक बीजोपचार मार्केट में उपलब्ध है उनसे उसका उपचारित करें ताकि उसमें जर्मिनेशन पावर बढ़े। जी, और एक बार फिर से राम राम, समय वक्त है छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर होते हैं और जानते हैं कुछ और बातें औषधीय खेती के बारे में। जी हाँ, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके इस खास कार्यक्रम राम राम समय, और इस समय हमारे साथ फोन लाइन पर एक और आयुर्वेद चिकित्सक मौजूद हैं। सर नमस्कार, राम राम साहब। राम राम जी सर। जी सर, मेरा ये निवेदन था कि मैं औषधीय प्लांट उगाना चाहता हूँ। जी पर सर, मैं जैसे ये मृदा परीक्षण करवा के कौन सी मेरे लिए उपयुक्त रहेगी, तो इसके लिए क्या प्रोसेस है? जी हाँ, बिल्कुल सही, यही प्रश्न मैं पूछना चाह रहा था। अगर कोई शुरुआत करना चाहता है तो उसे कौन सी सबसे पहले प्रजाति उगानी चाहिए या कहाँ से उसे शुरुआत करनी चाहिए? जी वैद्य जी, आप कहाँ से बोल रहे हैं? सर मैं अलवर से बोल रहा हूँ। जी जी, अलवर से। कौन सी तहसील? कोट कासिम। जी वैद्य महाराज, आप सबसे पहले तो अपनी मिट्टी पानी की जाँच करवाए और ये देखें कि आपके यहाँ पे जो पानी का ईसी क्या है, पीएच क्या है, मृदा आपकी उर्वरक क्षमता उसकी क्या है, और उसके आधार पे आप कौन सी फसल के लिए आपको आपके क्लाइमेट जोन जो है आपकी जलवायु के आधार पे आपको फसल का चयन करना है। और विशेष सावधानी में तो ये रखना, मेरा कहना ये है किसानों को कि आप मिट्टी पानी जाँच करने के बाद में उसकी खेती की पूरी तकनीकी समझें। जी सबसे बड़ी बात यह है कि आप उसकी तकनीकी को समझना बहुत ज़रूरी है, और बाज़ार में आप कम से कम 10-20 फार्मेसियों के नंबर तो आप रखें, जहाँ से भी मिले, आप आपके राष्ट्रीय औषध पादप बोर्ड से की साइट से भी आप इनके नंबर प्राप्त कर सकते हैं, आप हमारे राजस्थान स्टेट मेडिसिन प्लांट बोर्ड से भी संपर्क करके और इसके जो भी खरीदार हैं उनके बारे में आप जानकारी ले सकते हैं। अलवर के लिए वैसे आंवला अलवर का बड़ा फेमस है, तो बहुवर्षीय प्लांट्स में आप इसको बढ़ाएँ और साथ में आप बिलपत्र की खेती को जरूर बढ़ाएं। इसके साथ में आप तुलसी और सतावर की खेती बहुत अच्छी मानी जाती है, 18 से 20 महीने की फसल और अच्छा उत्पाद होता है, और ये ड्राई फॉर्म में होती है, इसका उत्पाद जो बिकता है वो ड्राई फॉर्म में, तो इसको अगर आप सही इसको भंडारण भी कर सकते हो और इसको फिर आप लंबे दूरी तक ट्रांसपोर्ट करके और इसको बेचान भी कर सकते हो। किसान भाइयों को मेरा एक सुझाव ये भी है, जब आप औषधीय फसल का चयन करते हो तो उसमें सबसे पहले आप ये ध्यान रखें
कि जो फसल आप उगाने जा रहे हैं उसका जो उत्पाद बाजार में या औषधीय निर्माण में काम में आता है वो गीला बिकता है या उसको ड्राई करके बेचना होता है? अगर गीले बिकने वाले उत्पाद जैसे कि एलोवेरा है या लेमन ग्रास स्पीशीज जो भी है एसेंस ऑयल वाली, क्या उनकी जो फार्मेसियाँ हैं या जो इनको कंज्यूमर हैं वो आपके नियरेस्ट आपके सराउंडिंग 50 या 100 किलोमीटर के दायरे में ही होने चाहिए? अगर वो फार्मेसी आपके नज़दीक के दायरे में नहीं है तो आप उसको अवॉइड करें जी। इसके अलावा अगर आपकी ज़मीन दलदली है, पानी भराव वाली ज़मीनें हैं, तो वहाँ पे कुछ ऐसी फसलें हैं जो कि दलदली या पानी भराव वाले क्षेत्रों में नहीं उगाई जा सकती, लेकिन उसी के विपरीत कुछ ऐसी स्पीसीज भी है जो केवल और केवल दलदली और पानी भरी हुई ज़मीन में होती है, जैसे कि लोटस है, खसखस है, आप नागर मोता है, इन फसलों को आप वहाँ दलदली क्षेत्र में लगा सकते हैं। तो राकेश जी, एक और दर्शक हैं शायद राजस्थान के बाहर से फोन कर रहे हैं। जी राम राम साहब जी। हेलो जी, कहाँ से बोल रहे हैं आप? सर टीकमगढ़ से बोल रहा हूँ। सर टीकमगढ़ से बोल रहे हैं जी। जी एमपी टीकमगढ़ से जी। पूछिए क्या पूछना चाहते हैं सर? मेरा क्वेश्चन ये था कि अभी आप एलोवेरा के बारे में बता रहे थे और गूगल के बारे में बता रहे थे जी, तो सर क्या इसका मुझे थोड़ी सा अमाउंट ये मालूम पड़ जाएगा अराउंड कि 5 एकड़ में हम कितना एलोवेरा लगा सकते हैं, उससे पूरी उपज कितनी मिलेगी, क्योंकि ये लाभ की खेतियां हैं जी, और थोड़ी सी ये जानकारी चाहते थे गूगल जिसके बारे में फर्स्ट टाइम सुना है अभी आपके इसमें जी। राकेश जी बहुत संक्षेप में, समय बहुत कम है। टीकमगढ़ कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है भाई साहब? एमपी टीकमगढ़ डिस्ट्रिक्ट है, टीकमगढ़ ही डिस्ट्रिक्ट है, टीकमगढ़ डिस्ट्रिक्ट है। तो भाई साहब आप एलोवेरा की मैं इकोनॉमी की अगर बात करूं तो एक प्रति एकड़ में करीब 10,000 पौधे की ज़रूरत होती है, और पौधे की अनुमानित कीमत जो है 1 रुपये से 1.25 रुपये के बीच में अधिकतम हो सकती है विद ट्रांसपोर्ट, पहली बात तो ये है। दूसरा एक पहले आप अपने टीकमगढ़ के आसपास में एलोवेरा की प्रोसेसिंग यूनिट से संपर्क करें, उनको क्या वाकई में ज़रूरत है, कितनी ज़रूरत है, उसी के आधार पर आप खेती को बढ़ाएँ, खेती करें। रही बात गूगल की, गूगल के प्लांट को पथरीली ज़मीन चाहिए होती है, जो पठारी और पथरीली ज़मीन है, जो वेस्टलैंड है, वहाँ पे आप गूगल का कल्टीवेशन करें। गूगल का उत्पादन आपको आफ्टर 8 ईयर मिलेगा, तो इसके लिए हमें एक बड़ा लंबा एक गैप होता है हाँ। और किसान को उस उतने समय तक वेट करना और सर्वाइव करना कहीं ना कहीं एक दिक्कत होती है, तो उसके पैरेलली आपको दूसरी ऐसी क्रॉप जो कि सीजनल क्रॉप्स है उनको लेना ही होगा, और जमीन का सिलेक्शन आप ऐसी जमीन का करें जो वेस्टलैंड हो। जी एक और दर्शक है जी, जी नमस्कार। हाँ नमस्कार सर, कहाँ से बोल रहे हैं आप? हम सऊदी अरब से बोल रहे हैं सर। सऊदी अरब से बोल रहे हैं आप, बहुत बहुत आभार आपका, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने फोन किया, प्रश्न पूछिए। सर हम काटना चाहते छोटे गोखरू के बारे में जानना चाहते हैं। छोटे गोखरू के बारे में आप कहाँ करना चाहते हैं खेती? खेती तो राजस्थान में करना चाहते हैं। खेती राजस्थान में करना चाहते हैं परंतु अभी सऊदी अरब में हैं, वहाँ से जानना चाह रहे हैं। जी जी आपका शुभ नाम क्या है भाई साहब? पूर्णमल है सर। अच्छा पूर्णमल जी, आपने पूछा कि काकनासा, आप बड़े इसमें एक्सपर्ट लगते हैं, काकनासा के बारे में वैसे स्पेशली कोई जानता वैसे नहीं है जी। काकनासा का दूसरा नाम बिच्छू फल भी है और इसको मार्टिनिया एनुआ इसका बोटनिकल नेम है। काकनासा वैसे पहले आज से 10-20 साल बकनकी भी बोलते हैं इसको कई जगह बकनकी, ये अब रोड साइड में काफ़ी होता था, लेकिन धीरे धीरे कम बरसात से या इसका विदोहन हुआ, सीड जो 35% एक GAP के तहत होता है कि 35% सीड जो है हमें अगली बार जर्मिनेशन के लिए छोड़ना होता है, तो वो कहीं ना कहीं वो चीज़ का हमने ध्यान नहीं रखा, और आज ये है कि उसका जो रकबा है या जो उसके उगने की जो रकबा था वो कम हो गया है। और इसका उत्पादन हमने अभी शुरुआत भी की है इसकी, हमने हमारे कुचामन में आसपास में जो एलोवेरा के किसान हैं उनको ये सीड दिए हैं काकनासा के, और ये एक सीजनल क्रॉप है, बारिश के टाइम इसको बोया जाता है और 3 महीने में इसका उत्पाद आ जाता है, और ये कि एक्स्ट्रा इनकम का एक सोर्स है। आप इसको एलोवेरा के बीच में या आपकी जो और फसल है जो कि 2-2.5 फीट की हाइट तक बढ़ती है उनके बीच में आप काकनासा की खेती को कर सकते हैं और एक एक्स्ट्रा इनकम आप इसे ले सकते हो। अब बात है छोटा गोखरू की, छोटे गोखरू में राजस्थान का भूभाग बहुत ही उपयुक्त है, और हमारा जो हनुमानगढ़ चूरू और सीकर नागौर इस बेल्ट से इसका बड़ा काफ़ी भारी मात्रा में कलेक्शन भी होता है और बाहर इसका फार्मेसी में सप्लाई भी हो रहा है। मेरी जहां अनुमानत जो मैं मानता हूं कि करीबन 200 से 300 मीट्रिक टन का सालाना यहां से छोटे गोखरू का
यहाँ से बाहर राज्यों में किया जा सकता है, व्यापार किया जा रहा है, और इसको हमें अब धीरे धीरे ये कम भी हो रहा है, तो हमें इसको इसकी खेती के बारे में अभी ये अंडर ट्रायल है, रिसर्च चल रहा है इस पे। जी समय बहुत कम बचा हुआ है, एक और दर्शक है जो कि आपसे बात करना चाहते हैं। जी राम राम साहब, बहुत संक्षेप में इनका जवाब दीजिएगा। जी राम राम साहब। राम राम जी। सर जी मैं ये कह रहा था चूरू जिले में अश्वगंधा की खेती हो सकती है क्या? जी अश्वगंधा आप चूरू में कहाँ, कौन सी तहसील से बिलोंग करते हैं आप? तारानगर। जी तारानगर में वैसे अपने यहाँ जंगली अश्वगंधा तो जो जिसको कुटमीठा बोलते हैं, ये नागौरी अश्वगंधा के नाम पे से भी जानी जाती है, आप इसके बीज संकलित करें। इसमें दो तरह की स्पीशीज जंगल में है, एक होती है जो कि उसमें फाइबर होता है और एक होता है जिसमें पाउडर फॉर्म होता है, तो उसको उखाड़ के उसकी जड़ को देखें और उसके बीज को संकलन करें और उसी बीज का आप खेती में कर सकते हो, बिल्कुल हो सकता है। समय का थोड़ा ध्यान रखें, जब तापमान इसका 30 डिग्री या 35 डिग्री के बीच में हो उसी समय आप इसकी बुआई करें। राकेश जी आज के एपिसोड के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। क्षमा चाहेंगे कि हम आपसे कुछ ऐसे प्रश्न जो कि बाकी रह गए वो नहीं पूछ पाए, परंतु वो हम आपको बहुत जल्द एक बार दोबारा से यहाँ पे आमंत्रित करेंगे और उन प्रश्नों के साथ आपको हम चाहेंगे कि दर्शकों से आप रूबरू हों। आज आपने काफ़ी अच्छी जानकारियाँ दी और जब इस तरह की परिस्थितियाँ होती हैं कि जब हमारे पास समय बहुत कम पड़ जाए और प्रश्न बहुत ज़्यादा हों, तो हमें लगता है कि वाकई में आज के किसानों को जागृति की और इस इन्फॉर्मेशन की, इस नॉलेज की, इस जानकारी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और हमें लगता है कि राम राम साह की ये मुहिम धीरे धीरे कहीं ना कहीं सफल होती जा रही है। धन्यवाद देना चाहेंगे उन सभी किसानों का जिन्होंने आज हमें फ़ोन किया, उन सभी किसानों का जिन्होंने फ़ोन करने का प्रयास किया, और उन सभी किसानों का भी जिनका फ़ोन नहीं लग पाया, उन सबसे हम क्षमा चाहेंगे, लेकिन साथ ही धन्यवाद देना चाहेंगे। और आप सभी लोगों से एक फिर वादा करना चाहेंगे कि अगले सप्ताह हम फिर मिलेंगे आज ही के दिन, आज ही के समय, किसी नए एक्सपर्ट के साथ, किसी नए सब्जेक्ट के साथ। देखते रहिए एवन टीवी।